सब बोलते श्री राम को तो कोई जानता नहीं था जल्दी। अभी अभी कुछ तो अयोध्या वगैरह बना है तो श्री राम को सब लोग जानने लगे हैं। ये सब सिर्फ भटकाने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए बताया गया है, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे ये है वो है, सब लोग अभी वो गलत ही सोचते थे ना, गर्ल्स है तो हमको खुद देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और लोगों को भी बताना चाहिए कि ये सही है गलत है। कौन सी मूवी देखी है? केरला के रिलेटेड एक मूवी थी। क्या क्या इस मूवी को देखकर क्या समझी, कैसी लगी? देयर वाज अ प्रोवोकिंग अबाउट लाइक जो इन्फ्लुएंस हुए थे, लाइक जो किड्स इन्फ्लुएंस हुए थे, लाइक कन्वर्जन ऑफ हिंदू टू मुस्लिम, उसके वजह से। एंड वी गॉट अ मैसेज आउट ऑफ दिस मूवी एट द एंड ऑफ द डे, एंड इट वाज वेरी नाइस। इस मूवी से क्या मैसेज सीखा, क्या समझा? दैट लेडीज कैन आल्सो डू समथिंग एंड दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड। ये मूवी आज किसकी तरफ से स्क्रीनिंग लग गई थी, कुछ आइडिया किसने दिखाई ये मूवी आज आपको? धर्मेश जोशी सर। We really thank them to show this movie. आपने आज कौन सी मूवी देखी? हमने आज द केरला स्टोरी मूवी देखी, और ये मूवी मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग है, और मतलब हमें समझा सकती है कि कैसे हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं लाइफ में, बट कभी भी अपने पेरेंट्स की बात ना सुनना, उनका कहा हुआ ना मानना, कल कैसे हमें हार्म दे सकता है अलग अलग तरीके से। प्लस कैसा कि लाइफ में सिर्फ बहुत सारे डिसीजंस आते हैं जहाँ पे मतलब हम सोच नहीं पाते कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और लाइफ हमें हिट भी करती है वो टाइम पर, हम समझ नहीं पाते वो टाइम, तो कैसा मतलब एक प्रॉपर थिंकिंग रहना चाहिए, वो चीज़ हमें इस मूवी से समझी कि लाइफ में से कल हम रास्ते पे जब हम चले जाते हैं तो कैसे कैसे मतलब लाइफ हमें बहुत बुरी तरह से उसका हार्म्स और क्या रहता है वो इस मूवी से हमें पता चलता है। हाँ, ये मूवी एक्चुअली हर हर एक को देखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू है या कोई मतलब अलग रिलीजन का है, सबको ये देखनी चाहिए कि ये ट्रैप में सिर्फ हिंदूज नहीं मतलब सभी ट्रैप होते हैं, तो कैसा कि मतलब सबको ये समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। वो क्या लगता है, 5 out of कितना देना चाहिए? 4.6, क्योंकि बहुत सारे सीन्स इन्होंने यहाँ पे कैंसिल भी कर दिए थे, जैसे वो दिखाना चाहिए था तो कैसा मतलब प्रॉपर रहता, क्योंकि जो इन्होंने दिखाया क्रुएलिटी होती है, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें रहती है जिन्होंने दिखाई नहीं है, इस तरह के फिल्में। हाँ हाँ, आनी चाहिए, तो कैसे सब इंस्पायर्ड होंगे और सब समझेंगे कि क्या हमें नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो ये फिल्म आपने तो देखी, क्या आपके फ्रेंड्स ने देखी? हाँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी आए थे, तो मैंने उनको भी अपने साथ लिया। आप और किसको किसको ये फिल्म दिखाओगे आप आगे? मैं अभी जाके अपने घर पे अपने फैमिली को बताऊंगी, फिर उन्हें सजेस्ट करूंगी, फिर मेरे जो दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स है, मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर है, उनको इस फिल्म के बारे में जरूर बताऊंगी। आपसे जानना चाहूंगी आपने कौन सी फिल्म देखी है? द केरला स्टोरी। क्यों आप ये फिल्म देखने क्यों आई थी? मैं ये फिल्म देखने इसके लिए आई थी क्योंकि मैंने इसका टीजर देखा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था यहाँ का जो टीजर था इसके लिए। तो आपने जो इसका टीजर देखा उसके बाद आपने इस फिल्म देखी, फिल्म से आपने क्या सीखा है, या फिल्म की स्टोरी सही लगी या कहीं गलत लगी आपको? नहीं नहीं बहुत ही अच्छा था स्टोरी भी, और इससे यही सीखने के लिए मिलता है कि ये मुंबई में और केरला में नहीं, हर जगह पे ऐसा सब हो रहा है, तो ये चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हम गर्ल्स हैं तो हमको खुद देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और लोगों को भी बताना चाहिए कि ये सही है गलत है, क्योंकि हमारा जो धर्म है हमें उस धर्म में ही रहना चाहिए। क्या सीख मिलती है आपको इससे? यही सीख मिलती है कि दूसरे रिलीजन में नहीं जाना चाहिए, हमारा जो धर्म है उसी में रहना चाहिए। तो आपके धर्म को लेकर भी फिल्म में बताया गया है, भगवान राम को लेकर, कृष्ण को लेकर, तो क्या उसके बारे में पता नहीं होता है आपको? पता है आपके भगवान राम कृष्ण वो सब तो है ना मैम, बट कैसा है, ये सब सिर्फ भटकाने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए बताया गया है, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे ये है वो है, सब लोग अभी वो गलत ही सोचते थे ना। इसमें एक वर्ड कहा गया है कि जो मुस्लिम लड़कियां उनके साथ कभी गलत रेप एंड डॉल नहीं होता, बट हिंदू लड़कियों के साथ होता है। ऐसा नहीं है, उनके साथ भी होता है, बट वो लोग ऐसे दिखा रहे थे, सिर्फ ब्रेन वॉश करने के लिए बता रहे थे। फिर देखना चाहोगे? हाँ जरूर देखूंगी। 5 out of कितना देना चाहेंगे? 5 out of 5। आपका नाम जानना चाहोगे? खुशी शाह ने। कौन सी मूवी देख रहे हैं? केरला। क्यों लगा कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? ये मूवी बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, देखने में अच्छा लगा। मैं लाइफ में पहली बार थिएटर में आई हूँ, मैं कभी गई नहीं हूँ, तो इसमें हमने ये सीख मिलती है कि खुद से कुछ सीखो, हम क्या कर रहे हैं, हमारी रोल हमारी लाइफ, खुद से जगो, किसी की सुनो मत। तो आज इस फिल्म को देखने के बाद अपनी लाइफ में क्या चेंज करने वाले हो, क्या बदलने वाले हो? कि खुद की लाइफ खुद जियो, किसी तीसरे के आने से कुछ तुम सुन रहे हो ये गलत बात है, किसी तीसरे से सुना मत करो, अपने पेरेंट्स से पेरेंट्स का सुनो, पेरेंट्स का सुनना चाहिए। आप अपने रिलीजन की में क्या, अपने रिलीजन की बात करें तो क्या कुछ चाहते हो अपने रिलीजन?
रिलीजन में हम ये कहना चाहते हैं हमारे हिंदू धर्म में तो हमको किसी रिलीजन में नहीं जाना चाहिए, हिंदू धर्म में ही रहो, दूसरे धर्म में तुम मत जाए। अपने धर्म को लेकर क्या खास है, अपने धर्म को लेकर कुछ बताएंगे, किसी भी भगवान कृष्ण है, राम जी है, भगवान शिव है, उनको लेकर कुछ बताएंगे, उनके बारे में क्या जानते हैं आप? सब बोलते श्री राम को तो कोई जानता नहीं था जल्दी, अभी अभी कुछ तो अयोध्या वगैरह बना है तो श्री राम को सब लोग जानने लगे हैं, क्योंकि पहले कोई श्री राम भगवान राम को नहीं जानते थे सब जानते थे। तो आपने बोला सब लोग नहीं जानते थे, मतलब अभी कैसा, अभी इंडिया में बहुत लोग कम नाम लेते थे, बट अभी ज्यादा करके अभी ज्यादा जहाँ देखो श्री राम जय श्री राम सब बोलने लगे। क्या लग रहा है, क्या वजह है कि अब जय श्री राम लोग ज्यादा बोल रहे हैं? बिकॉज राम जी का चर्चा बहुत चल रहा है। कौन कर रहा है, कोई पार्टी कर रही है? नहीं। तो फिर कैसे चल रहा है? बीजेपी वाले तो क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो लोगों के लिए, खास करके यूथ के लिए अच्छा सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी। 5 out of 5 कितना देना चाहेंगे? 5 out of 5 कौन सी फिल्म देखी आज आपने? केरला। कैसी लगी फिल्म? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो क्या लगा इस फिल्म से, क्या सीख मिली, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा इस फिल्म? ये पिक्चर तो इंस्पायरिंग तो है, पर अगर जात पात में अगर बहुत सारे लोग वो उठा रहे, मुस्लिम हिंदू, अपने जात को मानो, अगर कोई ट्रांसलेट भी होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि अपने माँ बाप को या अपने लोग को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए वो चीज़ से, बस फिल्म से ये सीख मिलता है। कितना 5 out of 5 कितना देना चाहेंगे? 100%, बहुत अच्छी मूवी थी।